मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा संपन्न हो चुका है, लेकिन थीम पर आधारित बड़े बड़े पंडालों की प्रतिमा का विसर्जन करने का फैसला आयोजकों ने दो दिन बाद लिया है। आयोजक पंडालों की खूबसूरती को इसका कारण बता रहे हैं, जिसके कारण लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पहले तो मैं आया हूँ बाहर से, आज घूमा, मैंने देखा कि बहुत अच्छा सजाया गया है। अंदर का जो डेकोरेशन है वो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां, उसके अनुसार अंदर डेकोरेशन किया गया है, जो बहुत ही साफ़ सुथरा, मतलब प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए इसमें सारा कुछ दिखाया गया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा घूमने पर। हाँ, हम यहाँ पे आए हुए हैं ऑल राउंड मेला घूमने के लिए। यहाँ का व्यवस्था वगैरह देख करके बहुत अच्छा लगा, और ये खास करके जो प्रधानमंत्री का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए जो ये किया गया है, यहाँ का जो थीम है बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लोकल पर वोकल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इस विजन का ये है कि देश जो है सो अमृत काल मना रही है, देश का 75वां वर्षगांठ जो मन रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचे, ये संदेश जाए कि देश जो है सो आज़ादी की 75वीं साल मना रही है, और जिस तरह से सरकार इसको लेकर के प्रचार प्रसार कर रही है, तो हम लोगों ने भी इस थीम के माध्यम से ये सोचा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका मैसेज पहुँच सके। इसी कारण से हम लोगों ने मेला को दो दिन और एक्सटेंशन किया, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जा सके। और 2 अक्टूबर जो था गांधी जी का जन्मदिन, उस दिन यहाँ पर हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य थे सबों ने मिलकर स्वच्छता के लिए पहले झाड़ू समूचा पंडाल में, यहाँ से पंडाल से लेकर पूरा मेला के प्रांगण में लगवाया, स्वच्छता अभियान लगाया। गांधी जी का जन्मदिन के अवसर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखरेख से, उनके आदेश में जो देश में चल रही उसको लोगों ने पालन किया, और बहुत अच्छा से सफाई अभियान हुआ। उसके बाद जो है आपका पंडाल में पूजा प्रारंभ हुई। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।